उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्र का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता अग्नि गुरु साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपापात कहा गया है। जो मनुष्य गौ ब्रह्म कन्याओं स्वामी मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरक के गामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं। जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो काम वस मदिरा पान करते हैं, जो पाप पारायण क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में अग्नि में जल में सड़कों पर पेड़ों की छाया में पर्वतों पर बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, ईंट बांस पत्थर काठ सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रुलते हैं या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट से ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री पुरुष मित्र बाल वृद्ध दर्बल अतुर भृत्य आदि तथा बंधुजनों को भूखा छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उसे त्याग देते हैं, संन्यास धारण करने के लिए भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाला है, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारने वाला और बारंबार उनका दमन करने वाला, दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ देते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हलिया गाड़ी में जोतते हैं, उसे असराह बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने का या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चारा खिलाने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते वे सब के सब गो हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापनिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कटवाते हैं और उन्हें बद्ध गाय को जोतते हैं वे महानार हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए उनके अन्न की इच्छा न रखने वाले अतिथियों को, अनाथों को, स्वाधीन पुरुषों को, दीनों बाल वृद्ध दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक लौट कर नहीं जाते, केवल उनके लिए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले हैं जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांग कर मनमाना वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में भी रुचि रखता है वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार काम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्याभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुष को पाप लगता है, वही परास्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराय द्रव्य को सरसों बारंबार भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरने लगता है इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं, इसलिए कि पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अनन्य 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मनवाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है उसके लिए पाप गति नरक ही सफल है। अध्याय 4-6 पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से
यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं हैं जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो, जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित और दयालु हैं, जो सौभाग्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं, जो पापी पाप कर्म पारायण तथा दान से रहित, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मत्स्य लोक में 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को तो वह बहुत दूर दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। वे बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डंब फैले हुए हैं। तदन अंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और दुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पथेय राह खर्च ले रखा है वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पग और अर्घ देकर निवेदक करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से दूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहां महान उपभोगों का भोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा शुभ शेष रह जाए उसे फिर यहां आकर भोगिए। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है, नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं, उनके केस ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, ओठ ऊपर की ओर फड़कते हैं, उनके 18 भुजाएं होती हैं, वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर के समान दिखते हैं, उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं, वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं, उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं, उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं, काजल के समान काले देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी भयंकर काल रात्रि अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शूर तर्कश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं।
ऐसे परिवार से घिरे हुए।